नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र विजय। बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की सियासत में जाति और वर्गों को साधने की होड़ मच गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अलग अलग जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदायों के आधार पर अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने निवास पर क्षत्रिय समाज को साधने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है, तो कमलनाथ ने पिछड़े वर्ग को साधने के लिए सतना में एक बड़ी सभा की। इस सभा के जरिए कमलनाथ ने केंद्र में आने पर संविधान संशोधन लाने का ऐलान किया। कमलनाथ ने कहा कि जातियों के हिसाब से वो गणना कराएंगे, ओबीसी को उनका हक दिलाएंगे। राजनीति में आज वोटों की ताकत के हिसाब से समाज और वर्गों को वेटेज मिल रहा है। इस लिहाज से ओबीसी, क्षत्रिय, ब्राह्मण और जनजाति वर्ग के साथ साथ हिंदू और मुस्लिम समुदायों को साधने के लिए सियासत की एक कवायद चल रही है। ये जमावट चुनावों में क्या रंग लाएगी, इस पर हमारी आधारित है आज की बिग डिबेट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे राजनीतिक दल इस समय जातिगत समीकरण बनाने में जुड़ गए हैं। करीब 20 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी की नजर 2023 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। सियासत के शतरंज के माहिर खिलाड़ी माने जाने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर वर्ग को साधने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में आज सीएम हाउस में राजपूत समाज का सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग भी जुटे। वक्त का तकाजा देखते हुए सीएम शिवराज ने राजपूत समाज के लिए घोषणाओं की झड़ी लगा दी। सीएम ने राजपूत समाज के लिए एक के बाद एक करीब 16 घोषणाएं कर दी। देश के गौरव है, केवल अपने नहीं, देश के प्रकाश स्तंभ, प्रेरणा स्रोत, उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाए और इसलिए उस दिन सार्वजनिक अवकाश रखा जाएगा। महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रदेश में अवकाश रखा जाएगा। फिल्म पद्मावत पर प्रतिबंध की मांग को लेकर हुए आंदोलनों संबंधी प्रकरण वापस लिए जाएंगे। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों से कम परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। ऐतिहासिक तथ्यों और परिवारों की वंशावली आदि से छेड़छाड़ करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पाठ्यक्रम समिति में एक प्रतिनिधि राजपूत समाज का होगा। इतिहास के पाठ्यक्रमों की गड़बड़ियों को ठीक किया जाएगा। सामान्य वर्ग के गरीब विद्यार्थियों को विशेष सहयोग की व्यवस्था की जाएगी। सवर्ण आयोग में एक राजपूत क्षत्रिय प्रतिनिधि आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए आरक्षण में आय सीमा 8 लाख रुपए तक होगी। इधर सतना में कमलनाथ ने पिछड़े वर्ग पर डोरे डाले। कमलनाथ ने कहा, जब तक हमारे देश में सही जाति के हिसाब से जनगणना ना हो तब तक सब बेकार है। जब केंद्र में सरकार आएगी हम संविधान संशोधन लाएंगे, जाति के हिसाब से गणना कराएंगे जिससे ओबीसी को उनका आरक्षण मिलेगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ आज सतना में आयोजित पूर्व सांसद सुखलाल कुशवाहा की जयंती समारोह में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने सतना पहुंचे थे। जब ही कांग्रेस की सरकार बनेगी, केंद्र में बनेगी, हम संविधान में संशोधन लाएंगे। हम संविधान में संशोधन लाएंगे कि हमारे ओबीसी, हमारा पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले। इसे राजनीति की जरूरत बोलें या 2018 विधानसभा चुनाव से लिया हुआ सबक, जहां शिवराज सरकार ने अभी से सभी वर्गों को साधने की कवायद शुरू कर दी है, वहीं कमलनाथ ब्रिगेड भी इसमें पीछे नहीं है। कमलनाथ ने अलग अलग वर्गों के विभाग गठित कर दिए हैं, इनसे वे लगातार संवाद भी कर रहे हैं। चुनावों में विकास के मुद्दों पर समाज की सियासत भारी पड़ रही है। ये जनता को देखना है कि वो जातिवाद को आगे रखते हैं या विकासवाद को। अतुल शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आशीष तिवारी जी, बीजेपी सह प्रभारी हैं, सह मीडिया प्रभारी हैं। आनंद तारण जी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में, कांग्रेस प्रवक्ता। कृष्ण मोहन झा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं। तो रुक करते हैं सबसे पहले आशीष जी का। आशीष जी, जब हमारा संविधान कहता है समानता का अधिकार, तो फिर राजनेता जातियों में क्यों बांट देते हैं लोगों को? तौर पर हमारे सारे समाज के लोग एक साथ काम करें, एक साथ रहें, इसलिए माननीय मोदी जी ने एक ही नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सारे वर्ग, सारी जाति और धर्म के लोगों के साथ में मिलकर काम करने की
हमने पहल की और हम करते रहे हैं। हम इसके पहले भी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति रही उसमें केवल एक ही बात रही, अंत्योदय का सपना रहा, और हम उसी बात को लेकर मध्य प्रदेश में और संपूर्ण देश में आगे बढ़े। और आज यही कारण है कि मध्य प्रदेश में भी हमारी 18 वर्षों से सरकार है और देश के विभिन्न राज्यों में जहां हमारा खाता भी नहीं खुलता था वो हमारी सरकारें हैं। तो उसका जो कारण था वो यही था कि हम सबको साथ में लेकर चले और प्रत्येक वर्ग की चिंता की। ठीक है, हमारे साथ कृष्ण मोहन झा साहब है। झा साहब, चुनाव आ जाते हैं, राजनेताओं को पार्टियों को जाति याद आ जाती है, सम्मेलन होने लगते हैं, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, निश्चित रूप से विजय, जब हमने देखा कि जब जब चुनाव करीब आते हैं तो हर वर्ग को साधने का प्रयास होता है जी। आपने देखा होगा कि राजनीतिक जो दल होते हैं वो अपने प्रकोष्ठ बनाए रहते हैं, चाहे वो ST मोर्चा हो, SC मोर्चा हो, OBC मोर्चा हो, तो जो दोनों प्रमुख राजनीतिक दल हैं उनके अपने मोर्चे रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे जब चुनाव करीब आते हैं तो सामाजिक राजनीति तेज हो जाती है, समाज का वर्ग भी जो है वो कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस के लिए कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करता रहता है। तो ये बात आज से नहीं है, पुरातन काल से ही है, और जब भी चुनाव आए हैं तो हमने ये सक्रियता देखी है, घोषणाओं की झड़ी देखी है। जिस ढंग से आज हम देख रहे थे सतना में कमलनाथ जी कह रहे थे OBC को लेकर कि लंबे समय तक सरकार रही है, तो सरकार जब आपकी थी तो उस समय सब चीज़ों पर विचार करना चाहिए, लेकिन ये घोषणाओं का क्रियान्वयन कितना हो पाता है, यानी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि जो घोषणाएँ तो हो जाती हैं पर क्रियान्वित नहीं हो पाती हैं, जिससे बहुत जो आम मानस है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता रहता है। ठीक है, तो आशीष जी, आपकी सरकार है कई सालों से, आपने जिक्र भी करा, विकास जो होता है वो समावेशी होता है। जब आप कोई स्कीम लेकर आते हैं, मान लीजिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो वो तो जाति और वर्ग देखकर नहीं दी जाती है, सबका विकास होता है, उसमें सबको लाभ मिलता है, लेकिन सम्मेलन क्यों करना पड़ता है फिर अलग अलग? देखिए, जातिगत जो सम्मेलन होते हैं वो केवल और केवल उस वर्ग की समस्याओं को जानने के लिए आयोजित किए जाते हैं जी। और कई बार हम जब उस जाति वर्ग के लोगों के बीच में बैठते हैं तो हमें उस वर्ग की बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शायद सीधे जानकारी में नहीं जी। रहा है कि लगातार मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी ने लगातार प्रत्येक वर्ग के साथ में पंचायतें की, प्रत्येक वर्ग के साथ वो बैठे, और बैठने के साथ ही उसका लाभ जो मिला वो सीधे सीधे ये मिला कि प्रत्येक वर्ग को कहाँ पर क्या समस्या आ रही थी उस समस्या का हल मिला, चाहे वो हमारे केवट समाज के लोग रहे हों, चाहे जैन समाज के लोग रहे हों, चाहे किसी भी पिछड़े वर्ग की जाति के लोग रहे हों, तो हर एक वर्ग के साथ में हमने पंचायतें आयोजित जो की थी, और हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो व्यवसाय के हिसाब से भी पंचायतें आयोजित की थी, तो ये हमारा क्रम लगातार चलता आ रहा है, और उसका ही परिणाम है कि आज प्रत्येक वर्ग मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहा है जी। ठीक है, झा साहब चुनाव हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस प्रवक्ता आनंद तारण। आनंद जी, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। OBC सम्मेलन करवा रही है आपकी पार्टी, सतना में शरीक हुए उसमें PCC चीफ, कैसे देखते हैं आप इस कवायद को? आनंद जी, आनंद जी जा साहब ये इस तरह के जो सम्मेलन होते हैं उससे क्या आउटकम निकलता है, क्योंकि चुनाव तो अभी 11 महीने बाकी हैं, अभी से ये सारी कवायद करना, क्या सरकार को अपने कामों पर भरोसा नहीं है? देखिए, निश्चित रूप से अब जो आप देख रहे हैं कि समय के साथ साथ जो कल UP और बिहार में होता था, जो जातिगत इफेक्ट इलेक्शन पे दिखता था, वो अब कहीं ना कहीं पड़ोसी राज्यों में भी होने लगा है जी। तो उसका असर अब मध्य प्रदेश में भी है, तो यही वजह है कि जातिगत समीकरण को साधने का प्रयास दोनों राजनीतिक दल समय समय पर करते रहते हैं, और जब चुनाव आते हैं, क्योंकि 11 महीना कुछ बचा नहीं है जी, क्योंकि आप जो देखेंगे कि समय बहुत तेजी से चलता है, और समय के साथ अब अभी से, क्योंकि अभी एक समाज भी बहुत अलग हो गया है, अब देखिए छतरी में भी कई प्रकार के वो वर्ग हो गए हैं, तो इस प्रकार से जो सामाजिक जो आयोजन होते हैं वो भी अब लगातार निरंतर चलते रहेंगे, और वो ये आयोजन राजनीतिक स्तर पे भी होंगे, सामाजिक स्तर पे भी होंगे, तो कहीं ना कहीं मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो समाज के लोग हैं उनकी भी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं, बहुत सारी उनकी समस्याएं भी होती हैं, तो उसको साधने का एक मंच होता है जब जिसमें राजनीतिक दल भी अपनी घोषणाएं करते हैं और अपनी उनकी बातों को स्वीकार करते हैं।
जी आशीष जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आनंद जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे? तो जहां साहब आपका रुख करता हूं, उनसे कनेक्ट करते हैं। उसके पहले आपसे एक बात और पूछनी थी कि 2018 का चुनाव हुआ, कांग्रेस को कम वोट मिला लेकिन सरकार कांग्रेस की बनी, सीटें ज्यादा थी। एक बयान दिया था शिवराज जी ने कि कोई माइका लाल एसटी जो एक्ट है, SC ST एक्ट, उसको हटा नहीं सकता। उसका नुकसान हुआ था खासतौर पर ग्वालियर और चंबल के बेल्ट में, तो क्या उसका डर है इसलिए बीजेपी अभी से जोड़ने की राजनीति कर रही है समाजों को? देखिए, निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा असर पड़ा था। और कहीं ना कहीं जब इस प्रकार की जब बयानबाजी होती है, हम आप छोटा सा उदाहरण, जब हमने पत्रकारिता शुरू की थी जी, तो उसमें एक छोटा विधानसभा, उसमें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक हुआ करता था, तो एक विधानसभा है अभनपुर, तो वहाँ पर धनेन्द्र साहू चुनाव लड़ रहे थे। तो धनेन्द्र साहू और तो उन्होंने एक जातिगत बात कर दी कि यहाँ पर जो है जातिगत असर नहीं पड़ेगा, और ये इसका इफेक्ट इतना ज़बरदस्त पड़ा कि जो साहू समाज नाराज हो गया, तो पूरा जा करके वो बीजेपी को वोट कर दिया। तो यानी धनेन्द्र साहू की जो जीतती हुई सीट है वो अशोक बजाज उसमें चुनाव जीत गए थे। तो कहीं ना कहीं एक बात जो आपकी रहती है, जैसे कि शिवराज जी ने कहा था, किस आशय से कहा था उसका अपन समीक्षा नहीं करेंगे, लेकिन जो माइके लाल की जो बात आई थी उसका बहुत, उसके बाद सपाक्स नाम की पार्टी आई, बीजेपी के वोट काटे, बीजेपी को नुकसान हुआ सर उससे। हाँ, निश्चित रूप से सपाक्स ने काफ़ी काम किया। उसको यदि हम देखते हैं तो वो धीरे धीरे करके 1% वोट लेके गई थी कई जगहों पे, यानी उसकी तीसरी और चौथे नंबर की स्थिति बनी थी जी। तो निश्चित, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर पे आप देखते हैं कि दो राजनीतिक दल ही जो हैं वो उनका आधार है, तीसरे की कोई स्थिति यहाँ बनती दिखती नहीं है। लेकिन ऐसे में जो कोई 1% वोट भी आपका लेकर के जा रहा है तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और कई जगह पर जो 1% वोट थे वो चुनाव हार जीत के कारण कारक बने थे। आप देखिए कि करीब 50 सीट ऐसी थी जो बहुत, यानी बिल्कुल सुई के नोक के बराबर जो वो थे वोट थे, उसमें वो हार जीत का अंतर आया था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यही वजह है कि राजनीतिक दल अभी से ही जो है सामाजिक संगठनों को साधने का प्रयास शुरू कर चुके हैं जी। ये OBC की बात हुई, क्षत्रिय समाज की बात हुई, बीजेपी और कांग्रेस की नजर आदिवासी वोट बैंक पर भी है सर। 47 सीटें हैं आरक्षित आदिवासियों के लिए। तो क्या लगता है आपको कि ये अभी से सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला है वो दोनों पार्टी अप्लाई करके चल रही है? हाँ, मेरे को लगता है कि अपन जो आंकड़ा कह रहे हैं वो 47 सीट पे इफेक्ट करती है जी, और लगभग 36 सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित है। डिसाइसिव वोट, हाँ डिसाइडिंग वोट, तो मान के चलिए कि वो तो 56 सीटें ऐसी हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कारक जो होता है वो ST वोट का होता है। और जो आदिवासी है लंबे समय तक, वो जो हमने चूंकि आदिवासी क्षेत्र को बिलोंग करते हैं, हमने पत्रकारिता भी वहीं की, हमारा बचपन वहीं गुजरा जी, तो हमने देखा है कि वो जो उनके मन में शुरू से कांग्रेस के प्रति बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था और पॉकेट के वोट माने जाते थे, लेकिन जैसे जैसे गोंडवाना गठबंधन पार्टी ने अपना आधार मजबूत किया तो कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और उसका फायदा बीजेपी को मिला। तो यही वजह है कि अब आदिवासी वर्ग को साधने की लगातार बीजेपी उपक्रम कर रही है। आपने देखा होगा कि बिरसा मुंडा जयंती अब पूरे धूमधाम से मनाई जा रही है। आपने देखा कि रानी कमलापति के नाम पर स्टेशन की स्थापना हुई है, उसको पूरा देश में मैसेज देने का प्रयास हुआ जी। आपने देखा होगा कि नवंबर में जो है आदिवासी दिवस मनाने का प्रयास हुआ, तो एक और वहीं पे जो है 7 अगस्त या 9 अगस्त को जो है वो पूरे देश में जी आदिवासी दिवस कांग्रेस और दूसरे लोग मनाते हैं। गौरव दिवस भी मनाया, हाँ गौरव दिवस बीजेपी ने शुरू किया जी, और जो बाकी जगहों पर एक आयोजन अलग होता है। जो जैसे दोबारा आऊंगा आपके पास, हमारे साथ दोनों जो बीजेपी से हैं आशीष तिवारी जी वो जुड़ गए फिर से, और आनंद तारण जी जुड़ गए। आनंद जी, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से आशीष तिवारी जी। आशीष जी, आपकी सरकार कहती है कि हमने बहुत काम किया है सभी वर्गों के लिए, और पिछली बार जब 2018 में चुनाव हुआ था तो शिवराज जी के बयान की वजह से कम सीटें आई थी ग्वालियर में खासतौर पर और चंबल के बेल्ट में, तो क्या उस नुकसान की भरपाई करना चाहते हैं इसलिए अभी से आप जाति जोड़ो अभियान चला रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक वर्ग के साथ काम करती है और हमने प्रत्येक वर्ग के लिए ही काम किया है। यही कारण था कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार की वापसी हुई दोबारा से, और हम पिछले 18 वर्षों में जब हम देखते हैं कि केवल कांग्रेस में एक ही वर्ग जाति के लोग मुख्यमंत्री रहे, देश के प्रधानमंत्री रहे, पर जी कांग्रेस पार्टी कहती है कि आपकी सत्ता में वापसी इसलिए हुई क्योंकि जयचंद थे आपके साथ में। नहीं, ये कहना उनका गलत है। देखिए, कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव लड़ी जी, जनता ने उसके घोषणा पत्र को स्वीकार किया, उन्हें वोट प्राप्त हुई और उनकी सरकार बनी। ये
ये जनता के मत को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। परंतु जब उन 15 महीनों के दौरान उनके ही विधायकों के साथ काम नहीं, उनके विधायकों का काम नहीं हुआ, विधायक परेशान थे, जनता परेशान थी, और जिन मांगों को लेकर विधायक के जनता के बीच में चुनाव लड़े थे, जब वही पूरी नहीं हो पा रही थी, तब जाके ये परिस्थितियां बनी कि उन विधायकों को अपने कांग्रेस के नेताओं का ही विरोध करना और कांग्रेस पार्टी को छोड़ना पड़ा, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा और बाकायदे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। और आप ये सोचिए कि उन्होंने ये भी बात महत्वपूर्ण है कि उन्हें दोबारा चुनाव लड़ना पड़ा, फिर जनता के बीच में गए और जनता ने उन्हें स्वीकार किया। तो ये जो दोनों पहलू हैं, इन पहलू पे जब हम नजर डालते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि मध्य प्रदेश की जनता की जो इच्छा थी, उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए वह विधायक जनता की इच्छा के अनुसार कांग्रेस को छोड़कर आए। और राष्ट्रधर्म भी यही कहता है कि हमें नीति के अनुसार काम करना चाहिए, और यही नीति थी उस समय की। जी ठीक है, आनंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी से। आनंद जी आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। मेरा पहला सवाल सर आपसे ये है कि कमलनाथ जी वादा कर रहे हैं कि केंद्र में हमारी सरकार आएगी तो जो संविधान में हम संशोधन लेकर आएंगे और ओबीसी को उनका हक दिलवाएंगे। सर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार थी कर्नाटक में और मुख्यमंत्री थे सिद्धारमैया, उन्होंने जातिगत जनगणना करवाई लेकिन वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। एक स्टेट में तो आप जो आंकड़े हैं वो रिवील नहीं कर पा रहे, देश की बात कर रहे हैं सर आप लोग। आनंद जी देखिए, देखिए अगर कमलनाथ जी कुछ कहते हैं तो उसको कर देखा जाओ। हम मध्य प्रदेश की बात कर, मध्य प्रदेश की बात कर, हाँ सर केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं कमलनाथ जी, केंद्र सरकार के तौर पे बोल रहे हैं। अरे सर जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जो वायदे किए थे निश्चित रूप से उन्होंने पूरे करने के लिए आगे पैर बढ़ाए थे, और लगभग हमने लगभग 200 जो घोषणाएं की थी उनपे अमल किया, जो वायदे किए थे उनपे अमल किया। निश्चित रूप से हमने अगर बोला था कि 1 रुपए यूनिट लाइट देंगे तो हमने 100 रुपए में 100 यूनिट लाइट दी। अगर हमने बोला था कि हम 55 लाख किसानों का कर्जा माफ करेंगे तो हमने उस पे अपना आधे आधे कदम आगे बढ़ा लिए थे। हमने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विधानसभा के पटल पे इस बात को स्वीकार किया था कि 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किए। किस तरह से पिछले दरवाजे से सत्ता के शिखर पर आए, भले ही ये बात कर लें कि भाई हमको विधायक जीत गया, अरे सरकार आपकी थी, आपने किस तरह से दबाव, और आज भी जो आपने सरकारी एजेंसी, अब केंद्र की बात कर रहा, सरकारी एजेंसियों का जिस तरह से दोहन कर रहे हैं, किस तरह से उनको अपने कब्जे में लेकर और लोगों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को दबाव करके अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, ये सबको पता है, आप सब जानने लगे हैं सब चीजों को। तो निश्चित रूप से अगर कमलनाथ जी ने कोई बात बोली है कि अगर हमारी केंद्र में सरकार होगी तो निश्चित रूप से उस तरफ हम कदम आगे बढ़ाएंगे। अगर उन्होंने बोला 27% आप आरक्षण देंगे तो निश्चित रूप से 27% आरक्षण हम करवाएंगे, क्योंकि अब कांग्रेस सब चीजों को देख चुकी है। ये काम कहां किया आपने? ओबीसी वर्ग के साथ सदैव अन्याय करने का ही तो काम किया। जब पंचायत चुनाव चल रहे थे उसकी प्रक्रिया को याद करिए ना। अब भाजपा के परिस्थितियों में मैं बोल दूं, अरे सरकार में बैठे हो, आपका तो दबाने का ही काम रह गया, बस विपक्ष को तो सुनना ही नहीं है आपको, शांति से सुने। आपने बहुत देर बोल ली होगी, मैं तो अभी बीच में आया हूँ, शांति से सुन ले। आपकी जो बातें थी, आपकी जो बात भी तो आपको सत्ता के साथ रखनी पड़ेगी ना, जनता को गुमराह करने के लिए थोड़ी ना हम बोलेंगे। आप इनसे ही बुलवा लें, आदरणीय ब्रजेंद्र जी आप इनसे ही बुलवा लें, मेरे को रहने दें, क्या फायदा। मेरा एक सवाल है, आप सुन लीजिए आनंद जी, मेरा सवाल है आपसे, आपकी पार्टी ओबीसी सम्मेलन कर रही है, मैंने ये बीजेपी से भी सवाल किया था कि विकास तो समावेशी होता है, सबका होता है सर, तो फिर ये आप वर्गों के नाम पे क्यों बांट देते हैं वोटर्स को? नहीं, जिस तरह से मध्य प्रदेश में सांप्रदायिकता का उन्माद भाजपा ने फैलाया है, जिस तरह से चीन चीन के लोगों के मकान गिराए गए हैं, तो भाई अगर अगर हमें कोई काम करना था, अगर एक जैन समाज के व्यक्ति की आपके भाजपा के व्यक्ति ने हत्या की थी तो क्यों नहीं उसके मकान को जमींदोज किया गया, क्यों नहीं उस पर कार्रवाई की, कठोर से कठोर कार्रवाई कर दे, क्योंकि वो जैन समाज का था और दूसरा वो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता था, कैसे मुसलमान के नाम पर उसको मार डाला गया। तो ये किस तरह की इनकी सरकार है और किस तरह के लोग हैं और किस तरह की भावना जोड़ देते हैं, ये क्या विकास करेंगे लोगों की, लोगों की हत्या कर रहे हैं इनके कार्यकर्ता और इस तरह की बातें कर रहे हैं। अरे भाई किसानों की हत्या का पाप आपके सिर पे,
कि मध्य प्रदेश के साथ किसानों को गोली मार गई है शिवराज सिंह चौहान जो कि अपने आप को किसान पुत्र कहलाते हैं। तो ये सब चीजें सामने खड़े हैं प्रश्न, और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता की पीठ पे छुरा होगा भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि पिछले दरवाजे से सत्ता पे आए, भले ही ये बोलते रहे कि हम चुनाव में जीत के आ गए, अरे भाई सत्ता में थे, आपने तो सत्ता का दुरुपयोग किया है। तो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह की बातें करके अब आप जनता का दिल नहीं, आप जनता के दरवाजे पे तो आइए, अब दरबार में ठीक है जवाब समाप्ति की ओर है, और 2023 के बाद 2024 में कांग्रेस समाप्त हो जाएगी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। और उनसे पूछना चाहते हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं, तो बताएं उनने अब तक मध्य प्रदेश में कितने मुख्यमंत्री ओबीसी के बनाए। और मैं तो यह भी कहता हूं कि आप देश की राजनीति के नेताओं के नाम गिना दीजिए कि आपने ओबीसी वर्ग को क्या दिया। मैं तो बोलता रहा हूं ना, पूरी ताकत के साथ बोल रहा हूं कि मध्य प्रदेश में 18 वर्षों से सरकार है, तो हमने 3 ओबीसी के मुख्यमंत्री दिए। आप बताइए ना कि आपने किसको दिया। अरुण यादव जी जैसे जो आपके नेता हुआ करते थे उनकी भी टिकट काटी आपने, आपने केवल ओबीसी वर्ग को दबाने का काम किया है। और आप आपको बताना पड़ेगा जनता के बीच में जाके 27% आरक्षण की बात जो 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 चुनाव कराने की बात की वो किसने किसने कराया, शिवराज सिंह चौहान ने कराया। आपने तो कोर्ट के सामने चुनाव के समय क्या परिस्थितियां निर्मित कर दी थी कि चुनाव ही नहीं होने वाला था पंचायत का। अरे आप बोल नहीं पाते ना, आपके पास विषय नहीं है तो आप क्यों बोलो ना, आंकड़ों के साथ बात करो ना। ये नहीं होता कि कुछ भी बोलते रहेंगे आप, जनता को गुमराह नहीं कर सकते। आपको और हमें ये टीवी के माध्यम से पूरा प्रदेश देख रहा है, और आप गुमराह नहीं कर सकते, आपको आंकड़े बताने पड़ेंगे। जयेंद्र जी वापस हो जाऊंगा, या तो उन्हें रोको या मुझे बोलने दो, अनंत जी अपनी बात पूरी कीजिए। अनंत जी अपनी बात पूरी कीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी ने 3-3 मुख्यमंत्री दिए हैं, बिल्कुल स्वीकार है कि 3 मुख्यमंत्री दिए हैं, लेकिन तीनों मुख्यमंत्री ने पिछड़े वर्ग के लिए क्या किया? निश्चित रूप से पूरे भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी बड़ी बातें करती, लेकिन मुख्यमंत्री तो 3 दिए, लेकिन 3 मुख्यमंत्री की देने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े वर्ग को क्या दिया? सबसे बड़ी बात ये, तो ये बात भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता। आने वाले समय में बताएंगे, आने वाले समय में आपको बताएंगे, आने वाले समय में आपको बताएंगे कि आप अगर 120 सीटें क्या किया तो आप 60 सीटों में, ये जनता बताएगी। अभी ये सब बताने का कोई मतलब नहीं है, ये सब जनता आपको बताएगी। 2023 में कहां से आप, अरे 2023 में आपको सब जवाब मिलेगा। बताते ना, मैंने तो बोला था आपको आंकड़े के साथ बताया, आप बोलिए ना। अरे आप, अरे आंकड़ों को जमीन पे लाइए, श्वेत पत्र जारी करिए, आपने क्या काम किया उनको बताइए। घोषणा करने से कुछ नहीं होता। मैं तो अभी बोल रहा हूँ ना, मैंने बोला कि 27% नीट में दिया। आप बताइए ना कि आपने कब आरक्षण दिया, हमने आरक्षण शिवराज जी ने कहा था कि आरक्षण के साथ चुनाव हुआ तो हमने आरक्षण के साथ चुनाव कराया। आप बताइए कि आपने क्या किया। ठीक है, आप दोनों को टोकते हुए मैं रुक करूंगा झा साहब का। झा साहब, जब भी चुनाव आते हैं तो जाति भी आ जाती है, विकास के मुद्दे जो हैं पीछे चले जाते हैं, लोग धर्म की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं। कमलनाथ जी का एक इंटरव्यू आया था जिनमें उन्होंने कहा कि वो जो है राहुल गांधी जनता की राजनीति करते हैं और इसलिए वो जनता के नेता हैं। लेकिन जनता की राजनीति करते करते अगर पॉलिटिकल पार्टियां समाज की राजनीति करेंगी तो कहीं ना कहीं मैसेज क्या जाएगा लोगों के बीच में फिर? जा साहब देखिए, निश्चित रूप से मैंने आपसे पहले भी कहा कि समाज को भी राजनीतिक लोगों की जरूरत पड़ती है, संरक्षण की जरूरत पड़ती है। और यही वजह है कि जब चुनाव आते हैं तो मैंने जैसे पहले ही कहा था कि उनकी महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं और बहुत समस्याएं भी होती हैं, तो एक उपयुक्त फोरम रहता है जब अपनी बात रख सकें और राजनेताओं से अपनी बात मनवा सकें। और इसी समय पे बहुत सारी घोषणाएं होती हैं जो इम्प्लीमेंट भी होती हैं और बहुत सारी चीज़ों का क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। तो मुझे लगता है कि ये अब जो राजनीति हो रही है, राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल रही है। अब केवल विकास के बात को लेकर के आप राजनीति नहीं कर सकते, आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, समाज को साथ लेकर चलना पड़ेगा। यही वजह है कि जो SC मोर्चा है, ST मोर्चा है, OBC मोर्चा है और सामान्य वर्ग का भी एक मोर्चा अब बनने लगा है। तो कहीं ना कहीं ये जो राजनीतिक दल हैं अपने प्रकोष्ठ ऐसे बनाए रहते हैं और जो निरंतर लोगों के संपर्क में रहते हैं और खासतौर पर जब चुनाव आते हैं तो ये इस प्रकार के आयोजन ज्यादा देखने को मिलते हैं। जी ज़्यादा आपने जिक्र करा कि यूपी और बिहार का जो कल्चर है वो अब यहाँ भी आने लगा है, पहले यहाँ इस तरह के सम्मेलन नहीं होते थे MP में खासतौर पर, तो ये क्या स्वस्थ परंपरा है राजनीति के लिहाज से? देखिए, और जनतंत्र के लिए क्या ठीक है ये? अब जनतंत्र में आप देख रहे हैं कि पूरी डेमोक्रेसी होती है और डेमोक्रेसी में तो आप देखते हैं कि जो जनता होती है, जनता तो कॉमन है,
जी, क्योंकि आप खुद देखते हैं कई बार अब ऐसी व्यवस्थाओं पे यदि आप बात करेंगे तो बहुत तो होगा, कभी जब आप ट्राइब जिलों में जाएंगे जो सीटें आरक्षित हैं तो वहाँ सामान्य वर्ग का आदमी बड़ा पीड़ित होता है, उसको ये लगता है कि भाई हम क्यों नहीं चुनाव लड़ सकते, जनता के लिए जनता का शासन यदि है तो उसको चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिलता। तो अब लोग ये चर्चा करने लगे, उसके मन में कोप्त भी होने लगी, तो कहीं ना कहीं ये सब बातें चुनावी साल में देखने को मिलती हैं, चर्चा होने लगती है और इस प्रकार के फोरम भी बनने लगते हैं जो इस प्रकार की चीज़ों को करते रहते हैं। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी से हमारे साथ आशीष जी जुड़े थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस से आनंद जी हमारे साथ जुड़े थे, झा साहब हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि दर्शक समझ जाते हैं कि हवा का रुख किस तरफ है, चुनाव आने वाले हैं, 11 महीने में चुनाव है, तो बीजेपी की अपनी कवायद है, कांग्रेस की अपनी, कोई ओबीसी को साध रहा है तो कोई अगड़ों को साध रहा है, लेकिन देखना होगा कि आखिरकार 2023 के चुनाव में जीत किस पार्टी की होगी, क्या कांग्रेस सत्ता में वापस आएगी या फिर बीजेपी अपनी सरकार रिपीट करने में कामयाबी हासिल करती है। बिग डिबेट में इतना ही, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस, नमस्कार।